लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडे द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि बीते दिनों हुई भारी बरसात के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने बखूबी कार्य किया है और प्रदेश के हर जिले का एक समान दृष्टि से कार्य किया जा रहा है। एक घर भी चलाना हो, दो तीन भाई बहन हो तो उनके अंदर भी तालमेल रोज ही बिठाना पड़ता है। हम एक बार कुछ कमा लें तो वो पूरा जीवन भर नहीं चलता, तो हर रोज हमको अपना कमाई खाने के लिए हर रोज मेहनत करनी पड़ती है। तो ये तालमेल बनता है, बना रहे हैं, और हिमाचल तो ऐसे जगह है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा मैं सोचता हूँ इंटेग्रिटी है, और हमारा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तालमेल बिल्कुल है। मुझे तो मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हूँ कांग्रेस पार्टी का, और मेरे पास आदिवासी कांग्रेस का भी मैं अध्यक्ष हूँ, और पीछे मैं इसका अनुसूचित जनजातीय आयोग का भी भारत सरकार में उपाध्यक्ष अध्यक्ष रहा हूँ। तो मुझे तो ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत या परेशानी नहीं लगती है, पर घर के अंदर भी एक वो चलाना हो सिस्टम तो एक थोड़ा आपस में तो तालमेल रखना ही पड़ता है। ये समझते माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि जिस तरह से वहाँ के लोग चाहेंगे अनुसूचित जनजाति की और लाहौल स्पीति की जनता जैसा चाहेगी, हम उसी तरह से एक SIT फॉर्म करके उनको भेजेंगे वहाँ पे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के लोगों को, और जैसा लोग चाहेंगे उसी आधार पे हम वहाँ की रूपरेखा बना के उसकी नोटिफिकेशन करेंगे, चाहे वो मास्टर प्लान रखना हो या TCP लागू करना हो, जो भी है। पहले लोगों को नहीं पूछा गया, आपने सिद्धांत जब उसको लागू कर दिया? देखिए, ये पिछली सरकार ने सारे नियम नाप नपाई और ये सब करा, अभी हमारी सरकार आई तो ये जो विकास है वो तो एक निरंतर चली रहती है। हमारी सरकार कुछ बनाएगी वो अगले वाले लागू करेंगे, अगला करेगा वो अगली बार करेंगे, तो जो इन्होंने नियम पीछे बनाए नाप नपाई किए उससे भी हमारे लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, और उन सबका ये कहना है कि मास्टर प्लान लागू होना चाहिए बेशक, पर हमारा निरंतरण सारा हमारा पंचायती राज और हमारा नुमाइंदा और वहाँ के प्रशासन का ही होना चाहिए, TCP का नहीं होना चाहिए। तो ये बात हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है, और वो इसको व्यक्तिगत तौर से इसको देखेंगे कि क्या वहाँ पे लागू होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।